निधा यासिर पहली दफा पाकिस्तान की सैर को निकली हैं। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो कहाँ गई हैं और उनकी उनके शोहर के साथ नई तस्वीर दिखाएंगे। निधा यासिर ने इन तस्वीर में पहली दफा सैर व तफरी के लिए शलवार कमीज पहना है। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको शोबिज़ से आने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन बआसानी पहुँचता रहे। निधा यासिर का शुमार पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के ऐसे कपल्स में होता है जिन्होंने तवील अरसे से एक दूसरे के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी गुजारी और अपने शोबिज कैरियर के साथ साथ अपनी अजवाजी ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल रहे। निधा और यासिर दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। दोनों के बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए निधा यासिर अब सैर व तफरी के लिए जाती रहती हैं। ज़्यादातर वो आउट ऑफ कंट्री का विज़िट करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को सैर व तफरी के लिए चुना। निधा यासिर पहुंची हैं रेनीकोट, जो कि सिंध में वाक़ है। वहां पर निधा यासिर ने अपनी काफ़ी तस्वीर शेयर की हैं और आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि निधा यासिर कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालात में जब मुल्क में कोरोना फैला हुआ है और लोगों को घर रहने का ही कहा जा रहा है, निधा यासिर तो सैर के लिए निकल पड़ी हैं। निधा और यासिर अपने बच्चों को भी अपने साथ रेनीकोट लेकर गए और वहां सबने खूब इंजॉय किया। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं निधा और यासिर को सैर व तफरी करते हुए। लास्ट ईयर निधा यासिर सर्दियों का मौसम गुजारने के लिए स्विट्जरलैंड गई थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर सैर करने को तरजीह नहीं दी बल्कि पाकिस्तान में ही सैर करने को प्रेफर किया है। निधा यासिर अपनी फैमिली के साथ सिंध पहुंची हैं और वहां बहुत ही खुश हैं। आपको निधा यासिर की अपनी फैमिली के साथ सिंध से ली गई तस्वीर कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।